स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी, और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा के में अध्ययन कर लिया था महासागरीय निक्षेपों के संदर्भ में। कुछ बातें हम पढ़ रहे थे कि महासागरीय निक्षेप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, उन सभी के बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने महासागरीय निक्षेपों से संबंधित दो चीज़ें देखी थी, वो आपको मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे महासागरीय निक्षेप। दो प्रकार के निक्षेप बताए थे, स्थलजात और जलजात। जलीय निक्षेप, स्थलजात के अंतर्गत आपको बताया था बजरी, रेत, सिल्ट और इसके अलावा गाद, वो बताया था मैंने आपको। तो इसकी हमने कल संरचना देख ली थी, बजरी 2 से 256 mm, रेत 2 से 1/8 mm और ये 1/8 mm से कम मोटे कंकर और रेत के कण होते हैं जो स्थलीय निक्षेपों से प्राप्त होते हैं, स्थल से प्राप्त होते हैं समुद्रों में निक्षेप के लिए। जबकि आज हम पढ़ेंगे जलीय निक्षेपों के बारे में, और जलीय निक्षेपों को हमने कल अध्ययन कर लिया था डायग्राम के तरीके से। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक। जैविक में भी हमने दो प्रकार देखे थे, एक तो होता है चूना प्रधान और एक होता है सिलिका प्रधान। अजैविक में ज्वालामुखी देखा था हमने और उल्का पिंड देखा था, और लाल मिट्टी भी होती है इसमें, लाल मिट्टी का जिसको कहते हैं, उल्का पिंडों से ही प्राप्त होती है वो चूना। और इसमें भी हमने दो प्रकार देखे थे, इसमें देखा था डायटम पंक और रेडियोलेरियन, और इसमें देखा था हमने टेरीपोड और ग्लोबीजेरिना। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, ये कल की कक्षा में हमने पढ़ लिया था। डायग्राम को याद रखना आप, महासागरीय निक्षेप जैविक और अजैविक, स्थलजात और जलजात। स्थलजात में आपको बजरी, कंकर, रेत वगैरह ये मिलेगी, सिल्ट, लाल मृत्तिका वगैरह, और आप उधर जाएंगे पंख भी इसमें मिलेगा आपको, कीचड़ जिसको बोलते हैं। फिर आप उधर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जलजात। जलजात में दो प्रकार के मिलेंगे, जलीय जैविक और अजैविक। जैविक में आपको चूना प्रदान, सिलिका प्रदान करना है, और अजैविक में आपको ज्वालामुखी और उल्का पिंड करना है। फिर आप जैविक में आएंगे तो जैविक में आपको चूना प्रदान में आपको मिल जाएगा टेरीपोड और ग्लोबीजेरिना यानी कि जीटी, और उसमें मिल जाएगा आपको आरडी रोड, जीटी रोड मैंने आपको बताया था। सिलिका प्रदान में आपको मिल जाएगा रेडियोटेरियन और डायटम पंक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिलिका और चूना युक्त जो है ये जीव है, फोरामिनिफेरा जीव होता है, उसके जो खोल से बने हुए जीव है ये, और इसके अलावा खोल से बने हुए निक्षेप है ये, मोलस्क जीव है, स्टारफिश आता है, और सियार्चिन नाम के जीव आते हैं, उन जीवों के खोल है। ठीक है, तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे अब महासागरीय निक्षेपों के अंतर्गत। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे जलीय निक्षेपों को। देखिए, महासागरों में जो निक्षेप पाए जाते हैं वो या तो कोई जीव जंतुओं द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर वो किस वजह से पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे धरातल पर जो चलने वाली पवने हैं, जो प्रमुख दिशाओं में चलती है, उन पवनों द्वारा उड़ाई गई रेत धूल के कारण जो जमता है उसी को तो निक्षेप कहते हैं, वो निक्षेप महासागरों में निक्षेपित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम स्थलखंड की बात करते हैं, तो स्थलखंड में जो निक्षेपों की प्राप्ति होती है हमको, वो निक्षेपों की प्राप्ति कैसे होती है, अपवाहन क्रिया द्वारा, अपघर्षण क्रिया द्वारा, परिवहन क्रिया द्वारा, ये सारी क्रियाएँ जब चलती हैं किसी क्षेत्र में, तो सारी क्रियाओं के फलस्वरूप होता क्या है, इन सारी क्रियाओं के फलस्वरूप
जो धरातलीय कोई क्षेत्र की चीज़ें हैं वो दूसरे क्षेत्र में जाकर के निक्षेपित होती रहती है। सेम इसी प्रकार की कंडीशन वो अप्लाई होती है महासागर के क्षेत्रों में। तो महासागरीय क्षेत्रों में भी क्या होता है, बहुत सारे निक्षेप जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से निक्षेपित होते रहते हैं। उनमें अजैविक निक्षेप सबसे पहले हम पढ़ लेंगे, अजैविक निक्षेप जलीय निक्षेपों के अंतर्गत। अजैविक निक्षेपों के अंतर्गत बात कर ली जावे तो ये निक्षेप स्थलों पर होने वाले अपवाहन और अपघर्षण परिवहन के जैसे प्रतीत होते हैं। इन अजैविक निक्षेपों को प्रकृति द्वारा महासागरों में निक्षेपित कर दिया जाता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी था ना, ज्वालामुखी। इसमें लिखेंगे हम सागरीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी के उद्गम से निकली राख, धुआं विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक तत्व सागरीय क्षेत्रों में जमा होने लगते हैं। सागरीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, ये जमा होने लगते हैं। इसको उतारिए आप, इसी तरीके से दूसरा क्या है वो है उल्का पिंड, उसको भी लिख लेते हैं हम। अंतरिक्ष में अपने परिक्रमण पथ से छूटकर कोई पिंड
जब सागरीय क्षेत्रों में गिर जाता है तो उसमें स्थित लोहांश की मात्रा के कारण लाल और काली पंख का निर्माण होता है। इस तरह सागरों में निक्षेपण होता रहता है। सागरीय क्षेत्रों में क्या होता रहता है भाई? निक्षेपण होता रहता है। देखिए ज्वालामुखी जो है उस ज्वालामुखी के उद्गार के साथ साथ बहुत सारी गैसें, धूल के कण, रासायनिक तत्व, जैविक और अजैविक सभी प्रकार के जो तत्व होते हैं वो तत्व भी उसमें से निकलते हैं और उनके निकलने के फलस्वरूप क्या होता है, वो आकाश में जाते हैं, उछलते कूदते हैं, वापस कहाँ आकर गिरे, नीचे गिरेंगे तो वो समुद्र में गिरते हैं। समुद्र में धीरे 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 अब उसमें और उल्कापिंड में क्या समानता है, इनमें क्या है, लोहांश की मात्रा होती है, लोहे के तत्व होते हैं बहुत सारे। तो लोहांश आपको मालूम है, लोहा जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। अब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होने के साथ साथ क्या होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद काला हो जाता है। तो काला और लाल धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है और उसी को पंख कहते हैं, लाल पंख, नीली पंख, हरी पंख, इस तरह हरी पंख वनस्पतियों के कारण बनती है और इस तरीके के तमाम तरीके की पंख जो है उनका निर्माण हो जाता है। पंख कीचड़ को कहते हैं, ठीक है। तो ये जलीय निक्षेपों के अंतर्गत ये आपके अजैविक निक्षेप हैं, ठीक है। उतार लिया होगा आपने इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं लिया है तो फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे जैविक निक्षेपों को देखेंगे। जैविक निक्षेप देखिए धरातल की तरह सागरों में भी धरातल की तरह सागरों में भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती है। जीव जंतु और क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है जो टूट फूट कर सड़ गल कर महासागर की के पेंदे में जमा होती रहती है। जमा होती रहती है। इस प्रकार के निक्षेपों को जैविक निक्षेप कहा जाता है।
जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। जिन्हें कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है चूना निर्मित निक्षेप। इनमें चूने का अंश अधिक पाया जाता है। ये भी सामान्यतः तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेरिपोड और ग्लोबिजेरिया। और दूसरा प्रकार कौन सा है इनका? सिलिका निर्मित। दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है। सिलिका निर्मित में क्या है? इनमें चूने की अपेक्षा सिलिका का अधिक अंश पाया जाता है। अधिक अंश पाया जाता है। लिख लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धरातलीय क्षेत्रों की तरह सागरों में भी जो टूट फूट कर या सड़ गल कर महासागरीय पेंदे में जमा होती रहती है, इस प्रकार के निक्षेपों को जैविक निक्षेप कहा जाता है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। चूना निर्मित, जिसमें चूने का अंश अधिक पाया जाता है। टेरिपोड और ग्लोबिजेरिना। सिलिका निर्मित, जिनमें सिलिका का अंश अधिक पाया जाता है, जिसको डायटम और रेडियोलेरियन के नाम से जाना जाता है। अभी लिखेंगे इसको, लिख लीजिए पहले आप। आपका लगभग कोर्स की जो ये किताब है फिजिकल ज्योग्राफी वाली, ये ख़त्म होने को है। इसके बाद जीवमंडल पढ़ेंगे हम कल से, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना है हमको, और जीवम और बायोम का अध्ययन करना है। फिर उसके बाद राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे। हो गया, चलिए आगे देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। उसमें लिख लीजिएगा आप, दो प्रकार के होते हैं वो, रेडियोलेरियन और टेरापोड, नहीं डायटम।
ये फोरा मिनी फोरा जीव के अंश से बने हुए होते हैं और ये मॉलस्क स्टारफिश सियार्चिन जैसे जीवों के खोल से बने हुए होते हैं। इनमें कैल्शियम यानी कि चूने का अंश अधिक होता है, ठीक है, 45% से भी ज़्यादा चूने का अंश इनमें होता है, इसलिए इनको चूना प्रधान जीव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। इसके बाद ये हमने देख लिया, ये समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं मुख्यतः, ठीक है। अब आर्थर होम्स ने इनको ऊर्ध्वाधर वितरित किया है सागरीय क्षेत्रों के संदर्भ में, ऊर्ध्वाधर वितरण इनका देख लेते हैं। ये क्या बना है आप समझना चाहिए इसको, क्या है ये, ये स्थल है और ये जल है, ठीक है। इसमें जो महाद्वीपीय ये मग्न तट है, मग्न तट, फिर इसके बाद थोड़ा सा और इसको इधर ले लेते हैं तो ये मग्न ढाल आ जाता है, ये मैदान आ जाता है, गहन सागरीय मैदान पढ़ाया था ना महासागरीय उच्चावच जब पढ़ाया था आपको, तो ये चीज़ें पढ़ाई थी मैंने। जब ये पूरे को हम स्थल मान लेंगे, इसको स्थलीय क्षेत्र, तो इसमें यहाँ पर पानी भरा हुआ था, ये सागरीय क्षेत्र है, सागरीय क्षेत्र स्थलीय क्षेत्र के बीच ये समुद्र का तट वाला जो क्षेत्र है इसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ये थोड़ा ढाल ज़्यादा हो जाएगा तो महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम जाना जाता है, प्लेन दिखाई देगा तो महासागरीय मैदान कहते हैं, गहन सागरीय मैदान, और ये गर्त है महासागरीय मेरियाना ट्रेंच वगैरह आपने सुना हो तो, ठीक है। तो सागरीय क्षेत्रों में जो महाद्वीपीय मग्न तट है उनके ऊपर जो निक्षेप पाए जाते हैं वो अधिकतर निक्षेप होते हैं स्थलीय क्षेत्रों से लाए गए, क्योंकि नदियां बहा करके लेके आती हैं। तो इनमें क्या होगा, बजरी होगी, रेत होगी, मृत्तिका होगी, क्या होगी, बजरी रेत और मृत्तिका, ठीक है। और गहन सागरीय मैदानों में यहाँ इसको इधर तक लेते हैं, यहाँ तक गहन सागरीय मैदानों में आपको ग्लोबिजेरिना टेरापोड रेडियो लेरियन पंख और डायटम पंख, ये आपको गहन सागरीय मैदानों में मिलेंगे। इसके अलावा लाल मृत्तिका, इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, लाल मृत्तिका। महाद्वीपीय मग्न ढाल में आपको पंख मिलेगी, नीली पंख और हरी पंख, लाल पंख कीचड़, ठीक है, जो इनका जो बहुत बारीक हिस्सा है वह आपको महाद्वीपीय मग्न ढाल पर में, क्योंकि ढाल पे तो आप कुछ रोक ही नहीं सकते, इस वजह से बहुत महीन मिट्टी जो होती है वो इन पर रुक जाती है। तो इस तरीके से ये है महासागरीय निक्षेपों का ऊर्ध्वाधर वितरण, महासागरीय निक्षेपों का क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण है। उम्मीद है आप इस डायग्राम को भी समझे होंगे। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये समझ में तो आ गया होगा आपके, ठीक है। ये ऊंचाई के अनुसार है, जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है यानी कि उथले सागरों में आपको बजरी रेत और ये मिलेंगे, फिर थोड़ा सी गहराई में जाएंगे तो आपको नीली हरी पंख मिलेगी, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा गहराई में आपको
ये सिलिका प्रधान और चूना प्रधान जो अंश है, जीव है, उनके अंश मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।